मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने 3 दिन के प्रवास पर रीवा पहुंचे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सिमरिया विधानसभा का दौरा करने के बाद नेता प्रतिपक्ष सिरमौर चौक स्थित सिरमौर व्यापारी संघ के द्वारा किए जा रहे धरना स्थल पर पहुंचे, जहां व्यापारियों के धरने का समर्थन किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सिरमौर चौक से विश्वविद्यालय रोड में बनी 2 सैकड़ा दुकानों को हटाकर पीछे किया जा रहा है, जबकि फ्रंट की जमीन समदड़िया को दी गई है, जिसके द्वारा मॉल का निर्माण कराया जा रहा है। व्यापारियों की मांग है कि उन्हें या तो फ्रंट की दुकानें दी जाएं या मॉल पीछे बनाया जाए, उनकी दुकानें यथावत रहें। विगत 18 दिसंबर से सिरमौर चौक व्यापारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके समर्थन में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व विधायक अभय मिश्रा पहुंचे। आइए आपको सुनाते हैं धरना स्थल पहुंचे अन्य नेताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा है। ये टैक्सी स्टैंड अभी बनाया गया था, पहले ये तो यहाँ से 15 मीटर यहाँ तक छोड़ना नहीं, ये भी दुकान के लिए बनाई जा रही है। ये दुकान से सर 15 मीटर यहाँ 15 मीटर यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी एक तरफ नौटंकी करके टीकमगढ़ में और अन्य जगह गरीबों के आंसू भाग कर उनको निवास के लिए, मकान के लिए, रहने के लिए जगह दे रहे हैं। दूसरी तरफ 78 हमारे छोटे छोटे दुकानदार जिन्होंने 1984 में शासन ने उनको ज़मीन दी थी और उसमें शासन की गारंटी पर 8-8 हज़ार रुपये का लोन की गारंटी दी और उन दुकानें बनी और उनकी लीज अभी भी वर्तमान में सन 2042 तक है। नगर निगम की मंजूरी सहमति नहीं है और बिना सहमत के रीवा जिले के एक विधायक और मुख्यमंत्री के नाक के बाल रीवा को, जिले को लूटने में लगे हुए हैं। अलग अलग एजेंसियों के नाम से बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए 50-50 माल बीच में खाने के लिए षड्यंत्र रचकर गरीब व्यापारियों को, छोटे छोटे दुकानदारों को जाड़कर पूंजीपतियों को देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार मोदी दिल्ली में कर रहे हैं, उसी परंपरा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर यहाँ के विधायक सत्ता पार्टी के नेता गरीबों उजाड़ कर पूंजीपतियों को लाभ पहुँचा रहे हैं। अभी जो पुनर्घटीकरण योजना के नाम पर पुनर्घटीकरण योजना का मतलब है जो ज़मीन दी जाए उसी स्थान पर डेवलप किया जाए उसको, और ऊपर का या साइड के ज़मीन का लाभ लिया जाए, अलग से कोई ज़मीन नहीं दी जाती। लेकिन जो ज़मीन ओपन ऑक्शन में अगर देना थी तो खुलेआम करीब ये ज़मीन जो एक बिल्डर को दी है वो ज़मीन करीब करीब 1,000 करोड़ से ऊपर की कीमत की है, लेकिन बिल्डर को केवल 100 करोड़ में दे दी गई। और ये 100 करोड़ के बीच का जो माल है जो लूट होगी उसमें 50-50% यहाँ के विधायक और सत्ताधारी पार्टी के नेता लेंगे। ये काम मुख्यमंत्री के बिना संरक्षण के हो नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक पंचूलाल प्रजापति ने भी ये मुद्दा विधानसभा में ध्यान आकर्षण के मामले से उठाया है और उस पर दबाव डालकर मुख्यमंत्री कार्यालय से उसको वहाँ अनुपस्थित कराया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वर्तमान में 100 करोड़ ज़मीन जो बिल्डर को दी है और अगल बगल के
जो उसी ज़मीन की जो कीमत है अभी बिक्री हुई है वो 20,000 रुपये स्क्वायर फीट है। 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन कीमत वाले ज़मीन को करीब 500 करोड़ रुपए बीच का लेन देन का मामला है। मैं कहना चाहता हूँ आखिर जाए दुकानों को क्यों उजाड़ा जा रहा है? अगर दुकानें हटाई जा रही हैं, दुकानदार स्वयं सहमत हैं कि हमें रोड के किनारे दुकान दी जाए, लेकिन उनको बर्बाद करके उनकी रोजी रोटी छीनकर बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कॉर्नर में जाके दुकान दे दी है। जो दुकानें न चलेंगी गली में, ना उनकी बिक्री होगी और उनका पूरा बर्बाद भूखों मरने की स्थिति पहुंच जाएगा। एक तरफ ये षड्यंत्र, दूसरी तरफ ब्रिज। जब ब्रिज कहा मैंने मौके पे अभी देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ क्या आवश्यकता है? एक जब एक ब्रिज जाने के लिए है, सड़क की चौड़ाई करीब करीब लगभग 70-80 फुट है, और भी अगर लेना है तो पीछे हट सकते हैं, लेकिन दुकानदारों को बर्बाद न किया जाए। मैं इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बात करूंगा, पत्र लिखूंगा, और अगर नहीं न्याय मिला तो लोक आयुक्त में जाऊंगा और न्यायालय हाई कोर्ट में जाने से पीछे नहीं रहूंगा। गरीब दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी नीति है। कांग्रेस पार्टी और हमारे सब साथी मित्र महापौर सभी लोग गरीब छोटे दुकानदारों के साथ हैं। एक तरफ मामला, दूसरा और के बार बार भाई दो तीन व्यापारियों को, ठेकेदारों को क्यों काम मिल रहा है? वेबसाइट बंद की जाती है ताकि, और बंद करके रात में आधा घंटे के लिए खोलकर जब वेबसाइट खोल देती है और बोले चाहते ठेकेदारों को साजिश कर टेंडर डलवा दिए जाते हैं, निबदा डलवा देते हैं बाकी के, ताकि कोई रात में वेबसाइट की जानकारी प्राप्त न कर सके, और उसमें तमाम मनमानी तरीके से रेट डाले जाती है। दूसरा, ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, इन योजना में 100 करोड़ की लगभग योजना में इस तरह तहत ज़्यादा से ज़्यादा काम 24 महीने के लिए होता है, लेकिन उसमें भी साजिश रच कर वो उसके वो बढ़ा दी गई है, 30 महीने कर दिए है, ताकि बिल्डर जल्दी काम कर सके। 24 वर्ष के पहले काम कर लेगा तो उसमें एक शर्त डाल दी है, बोनस दिया जाएगा जल्दी काम करेगा। उसमें अभी करीब 5 से 10 करोड़ का घोटाला किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा साजिश है। मध्य प्रदेश में अनेक घोटालों में इसका भी नाम मध्य प्रदेश के इतिहास में कलंक के रूप में लिखा जाएगा। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूँ, आप गरीबों की बात करते हो लेकिन गरीबों को उजाड़ने का काम क्यों कर रहे हो? ऐसे आप अरबों रुपए की संपत्ति पूरे प्रदेश में, जो जनता ने पूर्व की सरकारों को बचा के रखी थी, उसको पूरी तरह से रीवा तो लूट लिया, जितना यहाँ के डकैतों ने मूरत सिंह और डाकू नहीं लूटा, उससे 100 गुना ज़्यादा लूट मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब अन्य रीवा के निवासियों की लूट ली है। मैं कहना चाहता हूँ लूट बंद होना चाहिए, अन्यथा जिन जिन लोगों ने साजिश में षड्यंत्र में शामिल हुए हैं, 2023 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन षड्यंत्रकारियों को, साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक को चुनकर न्यायालय में पहुंचाया जाएगा और उनको सजा दिलाई जाएगी।